हाय गाइस, जूही आ जाइए वट सावित्री पूजा की शॉपिंग के लिए। हाँ, इससे हो जाएगा। ये क्या है मौली? ये हैंड फैन मिल गया। ये और क्या लेना था? वो कौन है उस तरफ दिखाना उसको। कितना बोल रहे भैया इसका? 60 यार। एक मिनट बोल रहा मैं, यहाँ पे है। आओ धागा। ठीक है, मौली इसी को बोलते हैं। अच्छा, और एक सुगंधी दे। हाँ, दोनों 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 ये करें नहीं, दूसरा जो आता है वो पूजा करके जो लिखा हुआ है ना। हाँ वही दे दो, दो पैकेट दे दो और एक वेट वाला भी दे दो। और ये लेना था भैया, रुमाल रखते क्या? रुमाल, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ चाहिए ऐसा वाला। अच्छा ठीक है, रहने दो। फ्रूट्स तो नहीं रखते ये? फ्रूट्स वगैरह तो नहीं रखते हैं। पूजा का क्या मिलता है? ओ हाँ, जूही को नहीं दिखाया मैंने। जूही एक मिनट हटाओ तो, मास्क हटाओ तो। हाय बोल दो। हाय, क्या करने आई हो? अभी सावित्री पूजा का शॉपिंग चल रहा है। हाँ, बरगद के पेड़ के पास जाके किसके लिए होता है वो? कितना बार पूछोगे आप? बोलो ना। ओके, देखिए एक और मंगला। 6 ब्लॉक में हम लोग, 8 ब्लॉक में एक्चुअली। पूजा का बहुत बढ़िया सा शॉप है यहाँ पे। आसपास में बहुत पूजा का सामान मिल जाता है। इसी शॉप का एक सब्सिडियरी शॉप वो भी है, वहाँ पर भी बहुत कुछ मिल जाता है। मोस्टली इन दो शॉप से ही हम लोग लेते हैं पूजा का सारा सामान। बाबू, अच्छा बाबू इधर देखो, रियांस का सारा चाहिए। सारा चाहिए? अच्छा ठीक ठीक है, एक बार देखते कितना। क्या है ये? इसे कहते हैं बियाइन। मिथिलांचल में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्या होता है इससे? जैसे पति को हवा दिया जाता है। पति को ठंडा रखा जाता है, पति गुस्सा हो जाता है ना, तो उसको ऐसे करके। और पति पति पत्नी के लिए नहीं करता है वही तो सारा रिचुअल्स। नहीं गाइस, हमारे घर पे दोनों होता है, पति भी पत्नी के लिए करता है, मैं भी अपनी बीवी के लिए। फास्ट नहीं पता, बट ये पंखा ऐसे ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अभी नहीं धुलाना। हाँ अभी नहीं धुलाना है, सॉरी। और रियांश के लिए भी करेंगे। देखिए मुझे कभी बहुत मस्त होता है यार, शॉप अच्छा लग रहा है। पूजा का शॉप भी काफ़ी कलरफुल होता है। रंग बिरंगा ये है ना, माले वगैरह। ये देखिए इधर का मार्केट है, इधर से आप निकल जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? इधर से आप निकल के आधुगढ़ी पहुँच सकते हो, ये आधुगढ़ी का रास्ता है। ये कोलमंगला 8 ब्लॉक है। ये हमारी बाइक है और अब हम चलेंगे दूसरी जगह। बाय बाय। हाय गाइस, जो ही बोलो, मास्क तो हटाओ। कहाँ पे आई, कहाँ पे आई हो? हाँ अपोलो। अच्छा मेहंदी लगवाने। ओके, जूही सारे डिज़ाइन चेक कर चुकी है और अब फाइनल एक डिज़ाइन फाइनल किया है। ये एक श्रृंगार का शॉप है, अभी मैं उठूंगा तो आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए कौन है, ये हमारा रियांश बाबू, सोया हुआ था, उठ गया। उठ गया, ये उनके पास मेहंदी के सारे डिज़ाइन। ये भैया है, इनकी पूरी मटीरियल यहाँ पर है। बाहर ही हम लोग ओपन एयर बैठ के मस्त लगवा लेते हैं। ये बीच में रेलिंग्स आ रही है। रेयान सोच रहा है कि अभी 1 घंटा पापा के साथ घूमना है बस, मम्मी के हाथ में तो मेरी लग जाएगी। जो तो 1 घंटा कौन संभालेगा इसको? निकालो, 1 घंटा मैं संभालूंगा, रहेगा बाबू 1 घंटा। अच्छा हेलो बाबू, रहेगा ना पापा के पास? रहेगा। हम लोग गिफ्ट और श्रृंगार के एक शॉप में आए हुए हैं एक्चुअली, ये देखिए। और इसी शॉप में मेहंदी का पूरा इंतज़ाम है। ये जूही का मेहंदी लग रहा है। भैया के सारे डिज़ाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा बाइक लगा दिया मैंने इधर से।
सारे डिजाइन है, 100, 200, 300, 400 पर हैंड, हर तरह का रेट है। और जूही के हाथ पर हो गया, ढूंढने निकली थी नहीं, चलो हो जाएगा, ये भी एक काम। नहीं, हम लोग एक्चुअली कोरमंगला में मेन फिफ्थ ब्लॉक में है, और घर से एक किलोमीटर होगा मुश्किल से। एक्चुअली हमें बैंगलोर में पता नहीं था कि मेहंदी कहाँ लगती है, क्योंकि कभी इस टाइप की चीज़ में हम लोग रुक नहीं पाए बैंगलोर, 2 साल से तो घर पे ही थे ऑन एंड ऑफ। तो इस बार ज़रूरत पड़ी तो बाइक से निकल गए, थोड़ा आइडिया था कि इधर मिल जाना चाहिए, तो ये श्रृंगार शॉप पे आए तो मिल गया। ये हमारा रियांस बाइक चलाने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं रियांस बाइक चला पाता है या नहीं। ओके, क्लोज मेहंदी लग गई हुई। ओहो मस्त लग रहा है, नाम भी लिख ले सही में। ओहो अच्छा बताई थी क्या? हाँ। ओहो हेलो बाबू, अभी नहीं सूखा है ये वाला, सूख गया। अच्छा गाइस देखिए जूही का मेहंदी का, मेहंदी तो लग गया, अब देखते हैं सूखता कब है, सूख ही जाएगा। बाय। ओके बाय गाइस। और ये हमारा फाइनली मेहंदी लग चुका है, और बड़ा मेहनत है लेकिन मेहंदी लगाने में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मेहंदी कैसा है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।